कुछ हमला नहीं है, ये प्लेन जाके वहां टक्कर लग के रुक गया और एक छोटा सा छेद हुआ। सारी दुनिया में इन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर हमला हुआ, ये पेंटागन अटैक की ये असलियत है, इसको प्लीज ये वहां जाके देखिए टकराएगा। तो अंदर चला गया वो दूसरा प्रोग्राम। और ये प्लेन जो है ना उड़ रहा है, ये वही प्लेन है जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये टक्कर लगी थी नॉर्थ टावर से। ये है देखिए प्लेन ऐसे जाके टकरा है। न्यू पर्ल हार्बर ये मैंने लिखा। ये देखिए डायरेक्ट टेलीकास्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। कोई प्लेन क्रैश नहीं है, ये अमेरिकन CNN ने ब्रेकिंग न्यूज में कहा कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं है और यहाँ एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम कह सकें कि प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन अमेरिका ने सारी दुनिया में ऐसा हल्ला मचाया कि बहुत बड़ा उन्होंने वहां पर प्लेन टारगेट ये कर दिया। अभी इसमें आगे एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जिसकी अंग्रेजी, ये है वो पायलट ऑफिसर जिसका मैं बार बार बात कर रहा था कि उसने वो प्लेन उड़ाया। ये है वो चिट्ठी, जरा इसको रोकिए। अमेरिका ने जो कमीशन बनाया जिसने इंक्वायरी किया, उस कमीशन का ये चिट्ठी है जो उन्होंने लिखा जॉर्ज बुश को। और इसमें उन्होंने ये पहली बार कहा कि 3,000 लोग जो मरे हैं उनमें से एक भी अमेरिकन नहीं है। ये 9/11 की रिपोर्ट है, टोटल रिपोर्ट में उन्होंने जितने नाम दिए हैं एक भी ओरिजिनल अमेरिकन नहीं। अब जरा देखिए अमेरिकन पार्लियामेंट का सीन है, ये जरा पार्लियामेंट को देखिए, रोकिए जरा इसको प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये एक सांसद है, एक सेनेटर है, वो पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहता है, लेकिन जॉर्ज बुश के जो सहयोगी है ना, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे वहां भी होता है। आप ऐसा मानते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में ही हंगामा होता है, अमेरिकन पार्लियामेंट में उससे ज्यादा होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक अमेरिकन सेनेटर है, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ये रिपब्लिकन पार्टी का ही है, जॉर्ज बुश की पार्टी का है। ये कुछ सवाल उठा रहा है, और ये सवाल क्यों उठा रहा है, क्योंकि इसको हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो ये खड़े होकर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा, तो इसको उठाकर बाहर फेंकवा दिया जॉर्ज बुश। ये असलियत है अमेरिकन डेमोक्रेसी की। हमारे यहां होता है ना कई बार नेता उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं तो उठाकर फेंकवा दिया जाता है, ये अमेरिकन। देखिए उसको पकड़ के ले जाए, ये वो चिट्ठी है। आप शायद क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे अभी, लेकिन मैं जब किताब में छापूंगा तो बहुत साफ पढ़ाएंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये वही स्टेटमेंट है जो मैं आपको पहले बताया। ये पत्रकार ये जो डील की बात कर रहा था ना, किसी ने बताई
कि बहुत बड़ा डील हुआ, दोनों टावर को बेचा गया, पैसे उसमें लेन देन हुए। अब ये CNN पर एक सर्वे हुआ अभी थोड़े दिन पहले, और अमेरिका के लोगों को पूछा गया कि कितने लोग अमेरिका में मानते हैं कि जॉर्ज बुश झूठा है, तो 90% से ज्यादा लोगों ने कहा यस ही इज अ चीटर एंड लायर, 90% से ज्यादा लोग, 90%। ये एक बहन है, इसका बहुत डिटेल हमारे पास बयान है। ये उस दिन वहाँ नीचे खड़ी हुई थी जिस दिन ये टॉपर दोनों गिरे, तो इसने बार बार कहा कि मैंने कोई भी प्लेन को दोनों टॉपर में हिट होते नहीं देखा, मैंने जो देखा वो ये था कि बम ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद टॉवर दोनों गिरे, वो बार बार कह रही है ये बहन। इसके बाद ये एक भाई है, ये भी वहां था उस दिन 11 सितंबर को, नॉर्थ और साउथ टॉवर के नीचे वाला जो मार्केट एरिया वहां पर ये घूम रहा था, ये भी कहता है कि मैंने किसी प्लेन को हिट होते हुए नहीं देखा, मैंने बम ब्लास्ट की आवाज सुनी और उसके बाद टॉवर गिरे। ऐसे 100 से ज्यादा हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, 100 से ज्यादा जो कहते हैं जिन्होंने प्लेन हिट होते देखा ही नहीं, वो बम ब्लास्ट से दोनों टॉवर। Heard a lot of interesting things from people. A few just happened today. A woman came up saying that her family received a phone call from a family friend. She was told by this family friend on September 10th, family friend was a Navy SEAL, told not to show up in Lower Manhattan tomorrow, which is of course the 11th. It's going to be a major event. ये जगह रोकिए। ये ट्रेड सेंटर जो था ना नॉर्थ और साउथ, वहां पर एक ट्रेड सेंटर था, उनकी तरफ से ये सर्कुलर इशू हुआ है जिसमें ये बताया गया। और सौ से ज्यादा विटनेस है जो सामने से आकर बोले हैं कि उन्होंने कोई प्लेन हिटते हुए नहीं देखा। हाँ ये है, ये ऑडिगो एक एजेंसी है वहां की, वो अमेरिकन सरकार के लिए काम करने वाली एजेंसी है, उनकी तरफ से जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको पोस्ट ने ये एक और अपनी तरफ से चिट्ठी जारी की थी, ओपन लेटर उसमें एडिटर कॉलम में, और उसमें अमेरिकन्स को अपील की गई थी कि 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नजदीक ना जाए। इसमें लिखा गया This is on the record and cannot be ignored. Students pointed up at the towers and told their school teachers in the weeks before 9/11. ये पुलिस की इंटरनल सिक्योरिटी की जो व्यवस्था उनकी चिट्ठी। And then on top of this, we have the public officials being warned. Total evidence of prior knowledge. And while we were in New York, we talked to dozens of eyewitnesses who had been personally warned themselves but were afraid to come public. Some have been told to keep their mouths shut. ये एक और प्रत्यक्षदर्शी है, उसी दिन वहां खड़ा था। इसको सुनिए, ये भी कोई महिला। ये कह रही है 26-27 आवाजें इसने सुनी है, और मीडिया वालों को कहा कि मैंने बम की आवाजें सुनी है, लेकिन मीडिया ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्टोरी वही बनाई गई कि प्लेन का हिट हुआ है और टावर हुआ। अभी इसको प्लीज बंद कर दीजिए क्योंकि ये बहुत लंबा है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँ
आप पूछेंगे जी हम क्या कर सकते हैं। आपने अगर इसका अंदाजा लगाया कि ये कितनी सीरियस बात है, सारी दुनिया को बताया गया उसका बिल्कुल उल्टा है सच्चाई जो है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना झूठ बोलने वाला देश है ये अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो जो झूठ बोलने वाला अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ हमारे भारत की सरकार ऐसे ऐसे दोस्ती बढ़ाती जा रही है जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर अमेरिका का आरोप था कि चूंकि आपने बम ब्लास्ट किया है इसलिए हम आपको एक ग्राम भी यूरेनियम नहीं दे सकते। फिर हमारे देश की सरकार ने दो बम ब्लास्ट किए जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो यही अमेरिका था जिसने भारत की कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाई। आप जानते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिकन मार्केट में उसको बैन किया और पाबंदियां लगाई। फिर अचानक उस अमेरिका के दिल में इतनी दया कैसे आई कि भारत को यूरेनियम देना चाहिए, ये दया कैसे आई अमेरिका के दिल? अभी तक अमेरिका का स्टैंड यह है कि भारत परमाणु बम बना सकता है इसलिए इसको यूरेनियम नहीं देना चाहिए, और अब अचानक से अमेरिका कहता है कि भारत से हमें दोस्ती बढ़ानी है यूरेनियम देना चाहिए भारत को और उसके लिए एग्रीमेंट करने को तैयार है। बात कुछ और है और वो बात इतनी गहरी है। हमारे भारत देश में वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से ये खोजने में लगे हुए हैं कि यूरेनियम के अतिरिक्त और कौन सा हमारे पास रेडियो एक्टिव ईंधन है जिससे हम बम बना सकें या बिजली भी बना सकें। तो इसके लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि हमारा जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसमें 6000 वैज्ञानिक रात दिन इसी काम पर लगे हैं पिछले 40 साल से। उन वैज्ञानिकों की टीम को पता चला कि भारत में ये जो तमिलनाडु है, केरल का एरिया है, समुद्री एरिया, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एक ऐसा रेडियो एक्टिव ईंधन है जिससे भारत में अगले 150 साल तक बिजली बनाई जा सकती है, अगले 150 साल। और वो रेडियो एक्टिव ईंधन को अगर हम उपयोग करना शुरू कर दें तो हमें किसी भी देश के सामने कटोरा लेके जाने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो इस फिलॉसफी के हैं कि अमेरिका से यूरेनियम की भीख मांगने से अच्छा है भारत में जो उपलब्ध है उससे बिजली बनाना। तो हमारे पास कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव ईंधन है, कम से कम 5-6 ईंधनों का पता चल गया है। एक ईंधन तो इतना ज्यादा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बार मुझे पर्सनली कहा था दिल्ली में जब मैं उनसे मिलने गया कि 150 साल तक 4,00,000 मेगावाट बिजली हर घंटे हम बना सके, इतना हमारे पास रेडियो एक्टिव ईंधन है। तो मैंने कहा कि फिर आप इस बात को खुलकर कहते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब कहूंगा, क्योंकि सरकार में हूं तब तक मैं वही कह सकता हूं जो प्रधानमंत्री मुझसे कहलवाता है, रिटायर होने के बाद कहूंगा। और उन्होंने रिटायर होने के बाद पहला स्टेटमेंट दिया, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया, शेखर गुप्ता को 2.5 घंटे का इंटरव्यू दिया जिनमें उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से एक ग्राम भी यूरेनियम लेने की जरूरत नहीं है, हम अगर ऊर्जा बनाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, 150 साल तक इतना ईंधन है। अब अमेरिका की नजर हमारे उस ईंधन पे लगी और अमेरिका चाहता है कि भारत की सरकार अपना रेडियो एक्टिव ईंधन अमेरिका को दे और बदले में अमेरिका थोड़ा बहुत ईंधन हमको दे। ये है खेल। अब इस खेल को पूरा करने के लिए जहां पर ये रेडियो एक्टिव ईंधन छुपा हुआ है वो जगह कौन सी है, वो बहुत महत्व की बातें जानते हैं। वो जगह है वही जिसको आप कहते हैं श्री राम सेतु। आपने नाम सुना श्री राम सेतु, जिस पर बहुत बवंडर मचा हो। श्री राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में 17.5 लाख साल पहले श्री राम जी का बनाया हुआ वो पुल है जिस पर वो लंका गए थे और विजय करकर वापस लौटे थे। 1480 के साल में एक भयंकर सुनामी आया था, उसमें ये श्री राम सेतु समुद्र के नीचे चला गया। उसके पहले तक अंग्रेजी रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो व्यापार होता था वो श्रीराम सेतु के ऊपर से होता था। श्रीराम सेतु 35 मील लंबा है और 3.5 मील चौड़ा है। 35 मील लंबा है, 3.5 मील चौड़ा है। 3.5 मील चौड़ा है इसका माने 8-10 बैलगाड़ियां आराम से घर से उधर जा सकती है। तो भारत से कपड़ा लेके बैलगाड़ियां उधर जाती थी, उधर से काली मिर्च लेकर पान के पत्ते लेकर बैलगाड़ियां इधर आती थी। तो व्यापार भारत और श्रीलंका का 3000 साल ये श्रीराम सेतु के ऊपर से हुआ। ये इंग्लिश रिकॉर्ड्स है, अंग्रेजी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स है। अब वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया है कि ये जो श्रीराम सेतु जहां पर है समुद्र की तलहटी में, वहीं पर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव ईंधन है। तो वो रेडियो एक्टिव ईंधन चाहिए किसको? अमेरिका। तो
अमेरिका को रेडियो एक्टिव ईंधन चाहिए तो यह तभी संभव है जब वो श्रीराम सेतु को तोड़ा जाए। वो सेतु टूटे तो रेडियो एक्टिव ईंधन वहां से निकले और वो सरकार अमेरिका को बेचने को तैयार है। और ये मनमोहन सिंह को मैं आपके यहां 10 साल पहले कहकर गया था, ये अमेरिकन एजेंट है जो हिंदुस्तान की सरकार में बैठा हुआ है। पत्रकार चाहे तो इसको छापे कल फ्रंट पेज पे कि राजीव दीक्षित कहता है कि मनमोहन सिंह अमेरिकन एजेंट है। ये अमेरिकन एजेंट है जो भारत की सरकार में बैठा है और ये आदमी चाहता है कि अगले 1.5 साल में जब तक ये गद्दी से उतरे उसके पहले ये श्रीराम सेतु टूट जाए। ये सेतु का एरिया अगर टूटा तो वहां से रेडियो एक्टिव मटीरियल निकला और वो रेडियो एक्टिव मटीरियल इसको अमेरिका भिजवाना है और बदले में अमेरिका थोड़ा बहुत यूरेनियम देगा, ऐसा एग्रीमेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत खतरनाक जो है, अगर श्रीराम सेतु इन्होंने तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया और सेतु टूट गया तो ये सारा का सारा एरिया अमेरिका के कब्जे में चला जाएगा और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है भारत और श्रीलंका के बीच का। आप में से कोई लोग अगर रामेश्वरम गए हो सेतु रामेश्वरम तो जहां पर धनुषकोटी है, धनुषकोटी तो जहां पर धनुषकोटी है सात तरह के रेडियोएक्टिव मटेरियल है वहां पर। और वैज्ञानिकों का कहना है कि 150 साल तक हम इस खोद के निकालते रहे तो ये खत्म होने वाले नहीं। अमेरिका की नजर वहां लगी है तो उसने एक आदमी अपना बिठा दिया है जो भारत में श्रीराम सेतु तोड़ने की तैयारी में है और उस मनमोहन सिंह को एक सहयोगी मिल गया है करुण निधि नाम का, जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। वो कहता है कब राम ने बनाया था, कौन राम हुए, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, कहां उन्होंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली जो ऐसा पुल बना सके। ये बकवास वो करुणानिधि करता रहता और आप सबने अखबार में उसकी बकवास सुनी भी होगी, मीडिया में पढ़ी भी होगी। तो खेल ये चल रहा है कि करुणानिधि जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग भारत का 17.5 लाख वर्ष पुराना श्री राम का बनाया हुआ पुल तोड़कर वहां से निकाले हुए रेडियो एक्टिव मटेरियल को अमेरिका बेचें। और इसके लिए एक कंपनी बनी है जिसमें पार्टनर है करुणानिधि और टी आर बालू आप जानते हैं शिपिंग मिनिस्टर है इस समय केंद्र सरकार का। तो टी आर बालू और करुणानिधि ने पैसा डालकर एक कंपनी बनाई है जो ये पुल टूटेगा। तो पता ये क्या बोलने वाले हैं कि पुल टूटेगा तो कचरा निकलेगा, वो कचरा नहीं रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलेगा उसमें। आपको बोला जा रहा है कि कचरा निकला तो उस कचरे को इकट्ठा करके हम कहीं कहीं भेज देंगे, तो कनाडा भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, भेजेंगे नहीं बेचेंगे और उसका डील होगा तो ये दोनों या तीनों मिलके खाएंगे, थोड़ा बहुत किसी और को मिल जाए तो मिल जाएगा। तो ये खेल चल रहा है। अब इस खेल को हम हिंदुस्तानी समझ पाए तो शायद श्रीराम सेतु को बचा ले, नहीं समझ पाए तो ये टूट जाएगा अगले 6-8 महीने के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में केस इस समय है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उस केस में सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि ये सेतु राम ने बनाया है या नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। राम जी का बनाया हुआ है तो टूट नहीं सकता तो वो धरोहर हो जाएगा और प्रकृति ने बनाया ऐसा कोर्ट ने सिद्ध कर दिया तो उसको तोड़ने का आधार मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, मैंने उनसे कहा कि आप किस आधार पर तय करेंगे, क्योंकि राम जी तो 17.5 लाख साल पहले हुए, आप कौन सा एविडेंस लाएंगे 17.5 लाख साल पुराना। तो चीफ जस्टिस ने मुझे कहा आपके पास कौन सा एविडेंस है, तो मैंने कहा मेरे पास 17.5 लाख साल पुराना तो एक ही एविडेंस है, वो है वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है राम जी के समय में लिखी गई है, उसी समय की है। तो महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें विस्तार से वर्णन है श्री राम सेतु का और वर्णन यहां तक है कि कैसे बन रहा है, कौन से पत्थर लगाए जा रहे हैं, ईंट कैसे लाई जा रही है, पत्थर जोड़ने के लिए क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, नीचे क्या बेस दिया जा रहा है, ये सारा एक एक माइक्रो डिटेल है उसमें। नल और नील ने किस तरह से सर्वेक्षण किया है, कौन सा स्थान उन्होंने तय किया है यहीं पर सेतु होना चाहिए, हनुमान जी ने उनको क्या सजेशन दिया है। तो आप जानते हैं ये कहानी तब है जब हनुमान जी सीता जी को मिलकर आ चुके और उन्हें मालूम है कि लगा जाने के लिए कौन कौन से स्थान है जहां पर पानी कम है और जहां एक छलांग लगाए तो पानी पार होता है, तो हनुमान जी वही रास्ता नल और नील को बता रहे हैं कि ये इलाके में पानी कम है तो सेतु ऐसा बनाओ जो कम पानी वाले एरिया से निकलता जाए। तो वो कह रहे हैं कि यार
माने नल भी ये यार मेरा शब्द है, आप इसको अन्यथा मत लेना, वो पूछ रहे हैं क्योंकि दोस्त हैं कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं। तो नल और नील कहते हैं बॉस कर सकते हैं, हम लकड़ी लाएंगे काटकर, इस जंगल में ऐसी लकड़ी है जो पानी में कभी भी गलती नहीं है, तो वो लकड़ी लाएंगे, उस लकड़ी के ऊपर पत्थर रखेंगे, पत्थर के बीच में कुछ लगाएंगे चूना, फिर पत्थर रखेंगे, ऐसा करके लकड़ी को डुबोते जाएंगे और वो एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा समय कम है नहीं तो वो भी मैं आपको दिखाता किस तरह से ये डिजाइन किया है श्रीराम सेतु को नल और नील ने, और ये डिजाइन करने में 8 महीने लगा उनको, बनाने में 1 साल से कुछ ज्यादा समय लगा, ये तैयार हुआ है, फिर राम जी की चढ़ाई हुई है और राम जी सीता जी को लेके वापस आए। तो ये जो श्रीराम सेतु है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से इतिहास का हिस्सा है, लेकिन करुणा ने कहता है कि वाल्मीकि रामायण तो किसी कवि की कपोल कल्पना है, वाल्मीकि रामायण तो किसी कवि की कपोल कल्पना है, वो तो हाइपोथेसिस है, रियलिटी नहीं हो सकती। तो ठीक है करुणा के लिए नहीं हो सकती, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए तो वो आधार ग्रंथ है भगवान श्री राम के बारे में। तो अब ब्रिटिश रिकॉर्ड्स कुछ इकट्ठे करके मैंने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है कि ब्रिटिश रिकॉर्ड ये कहते हैं, और हमारे देश में एक विदेशी लुटेरा आया था जिसका नाम था महमूद गजनबी, उसके साथ एक आया था उसका दोस्त था उसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी इस इलाके में गया, 6 महीने रहा जहां पर श्रीराम सेतु है। तो उसने हिंदुस्तान के बारे में जो लिखा है अरबिक में वो हिस्सा मैं आपको दिखाता अगर थोड़ा टाइम होता तो, वो कहता है कि ये इलाका जो है ये बहुत बड़े एक पानी के बांध से घिरा हुआ इलाका है, और इस बांध को यहाँ के लोग नल सेतु कहते हैं, नल सेतु क्योंकि नल ने बनाया, नल सेतु कहते हैं। तो अल बरूनी कब आया है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में, अर्थात 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस पुल को नल सेतु कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में आकर इसको राम सेतु कहना लोगों ने शुरू किया है, और उसके बाद सुनामी आई है और ये नीचे चला गया, ये ऊपर है। इसके पत्थर जिस तरह से जोड़े गए हैं उनका मटेरियल इतना पक्का है कि पानी लगने से वो और पक्का होता जाता है, बाद में ऐसे क्वालिटी का चूना बनता है जो हजारों हजारों साल और ज्यादा पक्का चला जाता है। तो वो मटेरियल से बना हुआ सेतु अब उस सर तोड़ने की बात कर रही है और कह रही है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, हालांकि अंग्रेजों के एविडेंस है वो हमने दे दिए, सरकार उनको मानती नहीं, वो कहती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लाओ। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में मुझे हंसी आती,
गांव गली गली मिलता है और हर व्यक्ति लिमड़ा का दातन करे तो 22-25 लाख लोगों को दातन बेचने से रोजगार मिलता है। पैसा तो बचता ही है कॉलगेट, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। माताओं बहनों से निवेदन है कि अमेरिकन कंपनी की क्रीम ना लगाएं, फेयर एंड लवली। आप बोलेंगे जी इसी से तो गोरापन आता है, फेयर एंड लवली को मैंने 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो अभी भी काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे, काला काला है गोरा गोरा। काला और गोरा होना डीएनए के साथ फिक्स होता है, क्रीम से फिक्स नहीं होता। तो आप ये फालतू में फेयर एंड लवली मत लगाइए, बड़ी महंगी है। 25 ग्राम 40 रुपए की है, 1600 रुपए किलो। 200 रुपए किलो काजू खाइए, 1600 रुपए किलो की क्यों क्रीम लगाते। 400 रुपए किलो बादाम खाइए, 1600 रुपए किलो की क्रीम क्यों लगाते। भाइयों को निवेदन है कि शेविंग क्रीम ना लगाएं अमेरिका की, पामोले, ये अमेरिकन शेविंग क्रीम। तो आप बोलेंगे जी दाढ़ी कैसे बनाएं, दूध से दाढ़ी बनेगी। थोड़ा दूध ले लीजिए, चेहरे में लगाइए, रेजर चलाइए, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है, 10 साल से मैं कर रहा हूं। 4 फायदे हैं। पहला फायदा है कि दूध लगाओ तो चेहरे की चिकनाई बढ़ती है, तो रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड की लाइफ बढ़ जाती है, एक ब्लेड 8-10 बार दाढ़ी बना देता है। दूसरा फायदा है कि दूध से दाढ़ी बने तो दूध की बिक्री बढ़ती है, मुनाफा खेड़ों को मिलता है। तीसरा फायदा, दूध लगाओ तो क्लींजिंग एजेंट है दूध, चेहरे की गंदगी सारी निकाल देता है, तो चेहरा चमकता है, फोकट में स्मार्ट हो जाते हैं। मुफ्त में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं, दूध से दाढ़ी बनाए। और आप सभी से विनती है कि दूध से भी नहाइए, दाढ़ी तो बनाइए, आप सब दूध से नहाइए, क्योंकि भारत में कहा जाता है दूधो नहाओ पूतो फल, कभी किसी ने नहीं कहा लक्स लगाओ पूतो फल या लाइफ बॉय से नहाओ पूतो फल, दूध से ही नहाने पर कहा गया। दूध से नहाने का फायदा क्या है, दूध बहुत इस्तेमाल होता है नहाने में, 2-3 चम्मच उसको लगाइए, रगड़ लीजिए और पानी से नहा लीजिए, गंदगी निकल जाती है। दूध जो है ना सबसे अच्छी क्लींजिंग करता है, सारे 5-स्टार ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लींजिंग ही होता है, बस इतना ही है कि वो 500 रुपए में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूं। अगर ब्यूटी पार्लर मिल्क क्लींजिंग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं ना अपने घर में। मेरा एक ही कहना है, अमेरिकन साबुन नहीं बिके, अमेरिकन क्रीम ना बिके, अमेरिकन टूथपेस्ट ना बिके, और अंत में अमेरिका की दवा मत खाइए कोई भी। बहुत अमेरिकन कंपनियां यहाँ के दवाएं बेच रही हैं, जैसे विक्स, ये अमेरिकन कंपनी की दवा है, विक्स, बेनाड्रिल और अमेरिकन कंपनी की दवाएं हैं। एली लिली एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब दवाएं बेचने आए हैं धंधा करने। इनकी दवाओं पे कभी भरोसा मत करिए, क्योंकि जो दवाएं वो यहां बेच रहे हैं वो दवाएं अमेरिका में बंद है 20 साल से, और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उनको पॉइजन डिक्लेयर किया, वो दवाएं यहां पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आपको अमेरिका की सबसे खतरनाक जो दवा दी जा रही है आजकल, वो हर्ट पेशेंट को दी जा रही है। आप में से किसी को भी भगवान न करे हर्ट अटैक आए, लेकिन आ गया तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। आपको मालूम है कि एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन आपका होता है, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्प्रिंग डाली जाती है आपके शरीर में, उसको स्टंट कहते हैं, ये अमेरिका से आता है। और ये स्टंट जो अमेरिका से आता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $3 के आसपास है, और यहां लाकर वो 2.5-3 लाख रुपए में बेचते हैं, ऐसे लूटते हैं। और एक बार हार्ट अटैक में एक स्टंट डालेंगे, दूसरे में दूसरा। डॉक्टर को कमीशन है, इसलिए वो बार बार कहता है एंजियोप्लास्टी कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ। आप मत कराइए, फिर आप बोलेंगे क्या करें। मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूं ये बात, एक डॉक्टर की हैसियत से, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूं, कभी भी स्टंट का ऑपरेशन आज तक किसी को सफल हुआ नहीं, सक्सेस हुआ नहीं। कारण क्या है, आपकी जिस वाहिका में स्टंट डाला जाता है नली में, वो स्टंट इतना बड़ा है, नली में यहां उन्होंने फिक्स कर दिया तो स्टंट के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज हो जाए और सेकंड हार्ट अटैक फिर आएगा, तो फिर वो कहेंगे दूसरा स्टंट लगवा लो, और इसी चक्कर में आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लाखों रुपए लूट के ले जाए। तो आप बोलेंगे जी क्या करें। मेरा आपको विनम्र विनती है कि आपको कभी भी एंजियोप्लास्टी का खतरा हो तो आप ऑपरेशन तो मत कराओ। क्या करें फिर, जिंदगी बचानी है तो आप एक सरल उपाय करो, वो मेरा नहीं है, भारत देश के महान व्यक्ति का उपाय है। वो व्यक्ति का नाम था बाघभट्ट। उन्होंने 3,500 साल पर लिखा एक पुस्तक में, जिसका नाम है अष्टांग हृदय, और एक पुस्तक है अष्टांग संग्रह। 7,000 सूत्र उन्होंने लिखे हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। उसका एक सूत्र है कि कभी भी हृदय घात अगर है, हृदय को घात हो रहा है, तो जान लीजिए कि रक्त में एसिडिटी बढ़ी हुई है।
एसिडिटी समझते हैं, अम्लता। एक अम्लता होती है पेट की और एक होती है रक्त की। पेट की अम्लता बढ़े तो आपको आग जलेगी पेट में, एसिडिटी होगी। आप कहेंगे आग जल रही है, खट्टी खट्टी लकार आ रही है, मुंह से पानी आ रहा है। फिर और ज्यादा हो तो हाइपर एसिडिटी होगी। यही पेट की अम्लता जब रक्त में चली जाती है तो रक्त अम्लता होती है, और रक्त अम्लता में आए तभी हार्ट अटैक होता है। इसके बिना हार्ट अटैक होता नहीं। ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज बहुत सरल है। इलाज क्या है? बाबा जी कहते हैं कि रक्त में अम्लता अगर बढ़ गई है तो ऐसी चीजों का उपयोग करो जो क्षारीय है। आप जानते हैं दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय, एल्केलाइन और एसिडिक। अभी अम्लीय और क्षारीय को मिलाएं तो क्या होता है? अम्ल और क्षार को मिलाओ तो न्यूट्रल होता है कि नहीं? तो बागवती जी कहते हैं कि रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय चीज खाओ तो रक्त की अम्लता न्यूट्रल हो जाएगी, माने हार्ट अटैक की जिंदगी में संभावना खत्म हो जाएगी। ये है कहानी। तो आप पूछोगे जी कौन सी क्षारीय चीज है जो हम खाएं? आपके रसोई घर में सवेरे से शाम तक इतनी चीजें हैं जो क्षारीय ही है, अगर उन्हीं को खाना शुरू करो तो हार्ट अटैक ना आए, और कभी आ जाए तो दोबारा आने का चांस ना। क्या क्षारीय चीज है? सबसे ज्यादा क्षारीय चीज आपके घर में है दूधी। दूधी है ना, सब्जी के रूप में आप खाते हैं, इससे ज्यादा क्षारीय कोई चीज ही नहीं। तो दूधी का रस पियो रोज निकाल निकाल, या कच्ची दूधी खाओ। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि नहीं दूधी रस पियो, दूधी का 3.25 लाख लोगों को ठीक कर दिया उन्होंने दूधी का रस पिला पिला, और उनमें हजारों डॉक्टर हैं जिनका खुद हार्ट अटैक होने वाला था, वो दूधी का रस पी पी के आते हैं। क्योंकि मैं हरिद्वार जाता हूँ रामदेव जी के यहाँ, तो हजारों डॉक्टर इस देश के वहां जाते हैं, चुपचाप दूधी का रस पीते हैं 3-3 महीने 4-4 महीने, आके फिर क्लिनिक पर बैठ जाते हैं। वो बताते नहीं हम कहाँ गए थे, वो कहते हम न्यूयॉर्क गए थे, जर्मनी गए थे ऑपरेशन करने, वो रामदेव जी के वहां गए थे। वो 3 महीने दूधी का रस पी के आए हैं, हार्ट अटैक ठीक हो गया है, आके फिर ऑपरेशन पे लग गए हैं, और वो इतने हराम खोर है कि आपको नहीं बताते कि आप भी दूधी का रस पिए। आप तो दूधी का रस पी हो, इसको जो रामदेव जी कहते हैं ना वो भी बागवट जी के ही आधार पर कहते हैं। बागवट जी कहते हैं कि रक्त की अम्लता कम करने की ताकत सबसे ज्यादा दूधी में है, तो दूधी का रस पियो। कितना पियो? रोज 200 मिलीग्राम पी लो। कब पीना? सवेरे पी लो, नाश्ते में, नाश्ते में नहीं तो भोजन के बाद पी लो, आधे घंटे के बाद पी लो। और दूधे के रस की और ज्यादा क्षारपन बढ़ाना हो तो दूसरी क्षारीय चीज हमारे घर में है, वो है तुलसी। तुलसी बहुत क्षारपण है तो तुलसी का रस मिला दो। और एक तीसरी चीज है वो क्षारीय है, उसका नाम है पुदीना। पुदीने का रस उसमें मिला दो। और एक क्षारीय चीज है अपने घर में, काला नमक। और एक है सेंधा नमक। ये काला और सेंधा नमक क्षारीय है, लेकिन बाजार से जो आता है ना आयोडीन युक्त, ये अम्लीय है। ये आयोडीन युक्त नमक के चक्कर में मत फंसना, काला नमक खाओ नहीं तो सेंधा नमक। तो सेंधा नमक ले लो, थोड़ा दूधी का रस ले लो, थोड़ा तुलसी का रस ले लो, पुदीने का रस ले लो, कोथिंबीर का रस भी क्षारीय है। ये सब क्षारीय मिला मिला के रोज पियो, 3 महीने में आपका ब्लॉकेज निकल जाएगा, अम्लता कम हो जाएगी, 2.5-3 लाख रुपए फालतू खर्च होने से बच जाएंगे, और जो बच जाए तो गौशाला को दान कर देना, तो गौशाला का भी फायदा है। डॉक्टर को देने से अच्छा गौशाला को दे। और एक दूसरी जानकारी आपको दे दूं कि रक्त की अम्लता से अपने शरीर में 48 रोग आते हैं, 48। उसमें से पहले नंबर का रोग है जिसका नाम है हार्ट अटैक। दूसरे नंबर का एक रोग है, यह भी रक्त की अम्लता का ही रोग है, उसका नाम है डायबिटीज। तीसरे नंबर का एक रोग है, यह भी रक्त अम्लता का रोग है, जिसको आप कहते हैं पैरालिसिस। चौथे नंबर का एक रोग है, वो भी रक्त अम्लता का रोग है, जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। ऐसे 48 रोग हैं जो रक्त अम्लता से होते हैं, माने रक्त की अम्लता अगर ठीक हो तो 48 रोग ठीक हो जाए। और ये अम्लता ठीक करने के लिए दूधी आपके पास है, कोथिंबीर आपके पास है, पुदीना आपके पास है, काला नमक आपके पास है, सेंधा नमक आपके पास है। और बता दूं, आप में से कोई जैन है ये उनके लिए नहीं है, अजैन लोगों के लिए बता दूं, गाजर बहुत क्षारीय है। गाजर भरपेट गाजर खाओ, जब तक मिले खाओ, कद्दूकस में घिस घिस के खाओ, रक्त की अम्लता सबसे कम करती। मूली रक्त की अम्लता कम करती है, गाजर है, मूली है, चुकरकंद
बीट्स जिसको आप कहते हैं, ये बहुत रक्त की अम्लता को कम करता है। जमीन के नीचे जो कुछ भी होता है, शेंगदाना, मूंगफली, ये रक्त की अम्लता को कम करती है। गुड़, गुड़ रक्त की अम्लता को कम करता है। तो जितनी चीजें रक्त अम्लता को कम करती हैं, वो घर में हैं। इनको आप खाते रहोगे तो 48 बीमारियों से बचे रहोगे, फालतू की दवा खाने की जरूरत नहीं। अब एक दूसरी जानकारी कि रक्त की अम्लता से जो 48 रोग होते हैं, ऐसे उल्टा भी है, रक्त क्षारीय हो जाए तो भी लगभग 25 से 30 रोग होते हैं। तो आप बोलेंगे अब इसके लिए क्या करें? अगर रक्त क्षारीय हो गया है तो अम्ल की चीजें ज्यादा खाओ, अम्लीय चीजें ज्यादा खाओ। अम्लीय चीजें क्या है आपके पास? संतरे का रस, मौसम्बी का रस, नींबू का रस, अनार का रस, ये सब अम्लीय चीजें हैं। इनको ज्यादा खाने लगो, क्षारपण ठीक हो जाएगा तो क्षारीयता की बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो आप बोलेंगे और क्या करें? दो तीन बातें और कर लो तो अच्छा, मैं करता हूं वो आप भी कर लो। बीमारी मत पड़ो, चक्कर ही नहीं है सारा, ये तो सब झंझट तब है जब आपकी अम्लता बढ़े या क्षारता बढ़े। आप बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। मैं जब आया था ना वापी, तब से आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, 10 साल हो गए और अगले 10 साल जाने की तैयारी नहीं है मेरी। जब तक कि कोई मुझे गोली से ना मारे और बम ब्लास्ट से ना मारे, तब तक तैयारी नहीं है। मेरी गलती से तो मैं बीमार होता नहीं, आप भी वो गलती मत करो। आप बोलोगे जी हम क्या गलती कर रहे हैं, छोटी छोटी कुछ गलतियां जो रोज हम करते हैं वो हम कर दो, बीमारी ही नहीं आई। मैंने वो बंद की है, जब से मैंने बाणभट्ट का अशांत हृदय पढ़ा तब से मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नियम बनाए, वो आप भी बना लें। बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय में 10 नियम कहे हैं, जो कोई भी पालन करे तो जिंदगी में बीमार ना हो। मैं वो नियम पालन करता हूं, आप भी करें। बहुत सरल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता। क्या नियम है? बाघभट्ट ने सबसे पहला नियम बताया, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप, वो ये कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। उन्होंने संस्कृत में कहा भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत, भोजन अंत माने भोजन अंत, विषम वारी, विष माने जहर, तो भोजन के अंत में पानी जहर जैसा है, ये है सूत्र। तो भोजन के अंत में पानी मत पियो। आप बोलेंगे जी कब तक ना पिए? 1.5 घंटे तक मत पियो, उसके बाद पी लो। तो आप कहेंगे बड़ी मुश्किल बात है, 1.5 घंटे कैसे रहे बिना पानी के? तो बाघभट्ट जी कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद कुछ पीना है तो छाछ पी लो, और कुछ पीना है तो दूध पी लो, और कुछ पीना है तो कोई फल का रस पी लो, जूस। पानी 1.5 घंटे बाद पी, अब तो चल जाएगा। खाना खाते ही अगर प्यास लग रही है तो जूस पी लो, गिलास भर के, 2 गिलास भर के। जूस कौन सा पिए? जो सबसे सस्ता मिलता हो जिस सीजन में, सबसे सस्ता। सबसे सस्ते से मतलब है ज्यादा उत्पाद होगा तभी सबसे सस्ता होगा। आजकल जो सबसे सस्ता जूस है वो शेरडी का है, गन्ने का पियो। जब भी खाना खाओ गन्ने का रस पी लो, और थोड़े दिन के बाद संतरे का रस आ जाएगा, फिर द्राक्ष का आ जाएगा, अंगूर का आ जाएगा। तो जो रस मिलते हैं बाजार में या सीजन के फल हैं, वो रस पियो खाने के तुरंत बाद, या तो छाछ पियो नहीं तो दूध पियो। रस पीने का तरीका है सवेरे पीना, छाछ पीने का है दोपहर पीना, दूध पीने का रात को पीना। खाने के तुरंत बाद दूध पीना है, छाछ पीना, रस पीना है। सुबह खाना खाया तो जूस पीना, दोपहर खाया तो छाछ, रात को तो दूध। अगर पानी पीना है तो 1.5 घंटे बाद ही पीना। क्यों? कारण उसका यह है कि आपने जो कुछ खाया वो पेट में गया, पेट में जाते ही इसमें आग जलती है, खाने का पाचन होने के लिए। उसको कहते हैं जठर अग्नि। जठर एक स्थान है जहां पर भोजन जाता है, वहां अग्नि जलती है, जठर अग्नि। इस अग्नि को जलने में 1.5 घंटा लगता है। तो जब तक अग्नि जल रही है पानी मत पियो, अगर पी लिया तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि बुझेगी तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सारे रोग पैदा करेगा जिनके नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिए। इसलिए बाघभट्ट कहते हैं खाने के बाद पानी मत पियो। कर सकते, आसान है, स्वस्थ रहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आसान नियम है। दूसरा नियम है बाघभट्ट जी का, वो ये कहते हैं कि पानी जब भी पियो घूट घूट भर के पियो, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पियो, गटगट 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 पानी मत पियो। एक सिप पिया, दूसरा सिप, तीसरा सिप, क्यों पीना भाई? कारण ये है कि मुंह में बनती है लार, स्लाइवा, ये होती है क्षारीय। पेट में बनता है अम्ल जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो मुंह की लार और पेट का अम्ल दोनों मिले तो हो जाएगा न्यूट्रल, ये क्षार है ये अम्ल है।
तो पेट हमेशा न्यूट्रल रहे तो बार बार लार अंदर जानी चाहिए। तो पानी अगर घूट घूट पिए तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, इसलिए बाघभट्ट कहते हैं पानी हमेशा घूट घूट पिए। ये पक्षी है ना, सब ऐसे ही पानी पीते, चिड़िया देखो पानी पीती है, एक ड्रॉप उठाएगी पानी का, फिर ऐसे ऐसे करेगी, फिर पिएगी। बाघभट्ट की पक्की चेली है सारी चिड़िया, बिना किसी कॉलेज में जाए वो सीखती है। आप इतने बड़े होशियार लोग हैं, आपको ये नहीं मालूम कुत्ता कैसे पानी पीता चाट चाट के। बाघभट्ट का चेला है ये कुत्ता। हाँ, सारे जानवर पानी ऐसे ही पीते। गाय को देखो, पहले पानी को मुंह में भरेगी, फिर थोड़ी देर रोकेगी, फिर पिएगी ताकि लार अंदर जाए। तो जानवर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप तो पढ़े लिखे होशियार, तो पानी घूट घूट पीना शुरू कर दो। दूसरा नियम। तीसरा नियम है ठंडा पानी कभी मत पियो। ठंडा पानी उन्होंने कैसे लिखा, ये नहीं लिखा ठंडा पानी मत पियो, उन्होंने लिखा है शरीर के तापमान से कम तापमान का पानी मत पियो, पानी ठंडा पानी मत पियो। अब ठंडा पानी से मतलब फ्रिज का पानी मत पियो, बर्फ डाला हुआ पानी मत पियो। क्यों नहीं पिए? मैंने इसका देखा एक्सपेरिमेंट करके कई मरीजों पर, जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, उनकी लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो जाती। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन शरीर में दो है, तो ज्यादा ठंडा पानी पियो तो लार्ज इंटेस्टाइन वैसे ऐसी होती है, ठंडा पानी पीते ही ऐसे होती है, और दिन में 10 बार आपने पिया तो 10 बार ये ऐसे ऐसे होती है, फिर रोज पीते रहे तो ये परमानेंट ऐसे हो जाए। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो गई तो सवेरे आप जब संडास घर में जाएंगे तो पेट साफ होगा ही नहीं, क्योंकि ये संकुचित है। दुनिया में मैंने देखा है जो लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, अमेरिकन यूरोपियन लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, पानी फ्रिज में रखेंगे ऊपर से बर्फ डालेंगे फिर पिए। और ये चिल्ड वाटर पीने वाले लोगों को मैंने देखा सवेरे टॉयलेट रूम में जाएंगे तो एक एक घंटे बाहर नहीं आते, कभी कभी दो दो घंटे बैठे रहते। पूछो भैया क्या कर रहे हो दो घंटे टॉयलेट रूम में? कहते न्यूज पेपर पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे हो? न्यूज पेपर के लिए टॉयलेट रूम है? कहते उतर भी नहीं संडास, क्या करें, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। कभी समस्या इतनी भयंकर होती है कि वो इंतजार में गाना गाने लगते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं करे क्या। और उससे भी बड़ी समस्या हो जाना तो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, आती नहीं कहे कहे, बड़ी समस्या है ये अमेरिकन और यूरोपियंस में। आप ये समस्या अपने शरीर में मत लाओ, माने कब्जियात मत होने दो, कॉन्स्टिपेशन मत होने दो, माने ठंडा पानी मत पियो। पानी फिर कैसा पिए? हल्का गर्म पानी पीते रहो, अगर जैन है तो बहुत अच्छा, अजैन है तो भी पानी पक्का हुआ माने गर्म किया हुआ पानी ही पियो, थोड़ा गुनगुना रहे तो बहुत ही अच्छा। और चौथा सूत्र है सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियो, चाय से पहले पानी पियो। कितना पिए? 3 गिलास पी लो, बिना प्यास के पी लो, थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पी लो। क्यों? रात भर आप सोए मुंह में जो लार बनी है ये बहुत कीमती है, ये अंदर जाए तो बहुत अच्छा, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम। पांचवा नियम है खाने को चबा चबा के खाओ, इतनी बार चबाओ जितने आपके दांत, 32 दांत है तो 32 बार चबाओ। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं मेरे तो, अब क्या करें? तो मसूड़े है ना वो दांत के जैसे ही हो जाते हैं, अगर दांत निकल गए तो मसूड़े दांत के जैसे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे चबा के आप खा सकते हैं, ऐसी कोई तकलीफ। तो खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। छठा नियम है कभी भी खड़े होके खाना मत खाओ, दो पाए आदमी के लिए खड़े होके खाना वर्जित है, चार पाए के लिए ठीक है, माने जानवर खड़े होके खाए तो ठीक है, बुफे सिस्टम बफेलो सिस्टम है, बुफे सिस्टम में खाना मत खाइए, खड़े खड़े मत खाइए, खाना प्लेट में लेके जमीन पे बैठ के खाइए। आप बोलेंगे जी शादी में गए हैं तो क्या, एक प्लेट में खाना लेके कहीं बैठ के खाइए तो आप कहिए दूसरे लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए वो मूर्ख है, इसलिए हंस रहे हैं, मूर्ख लोग बहुत बार हंसते। आप जमीन पर बैठ के खाने लगेंगे वो भी आपकी नकल देख के करने लगेंगे, तो आप बोलेंगे जी घर में तो डाइनिंग टेबल है क्या करें, बेच दो इसको और क्या करें, कचरा सब घर में थोड़ी रखा जाता है। आपने कबाड़ कहीं से लाया और घर में सजा लिया तो अब कबाड़ तो कबाड़ ही है ना, वो हीरा सोना पन्ना तो नहीं होने वाला। और डाइनिंग टेबल कितने इलाके में आपने रख के कितना एरिया घेर रखा है जरा सोचो, वापी में एक स्क्वायर फीट कितने का है? 3,000 का? 4,000? 4,000 रुपए स्क्वायर फीट के एरिया को आपने डाइनिंग टेबल से घेर के रखा है जो बिना किसी काम का, सोचो दुनिया, बुद्धि लगाओ ना कुछ, व्यापारी बुद्धि लगाओ, इतना एरिया कवर करके रखा
इससे अच्छा डाइनिंग टेबल ना रहे तो वो एरिया का कुछ तो उपयोग होगा, बैठने में ही काम आएगा। तो आप बोलेंगे अब तो खरीद लिया डाइनिंग टेबल, अब क्या कर सकते हैं। तो मेरी बात मानो, उसके पांव काट दो डाइनिंग टेबल पे तो तुरंत नीचा हो जाएगा। उसको पटरे की तरह से इस्तेमाल करो, जमीन पे बैठ के उस पे थाली रख के। जो आप बोलो घुटने नहीं मुड़ते, बैठे कैसे, कुर्सी तो चाहिए। तो कुर्सी पर बैठकर अगर खाना खाना है तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूं। भागवत जी ने वो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि आप कुर्सी पर ऐसे बैठो जैसे सुखासन में बैठते, आलती पालती मार के कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर खाना खाओ। खाना खाते समय महत्व की बात है जो जाननी चाहिए, वो ये कि हमारी जो नाभि है ना, इस पर धरती का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहना चाहिए नाभि पर। ये तभी संभव है जब आप जमीन पर बैठे हो। खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायग्राम पे आता है। नाभि पर अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है तो नाभि एकदम सेट रहती है, और खाना खाते समय नाभि सेट रहे तो जठर अग्नि सबसे जास्ती प्रदीप्त है। इसलिए बैठकर खाना अच्छा है। फिर सातवां नियम है कि कभी भी आप खाना खाएं तो दो चीजें एक साथ ऐसी मत खाना जो एक दूसरे के विरोधी है, जैसे दूध और दही कभी साथ में नहीं खाना, उड़द की दाल और दही कभी साथ में मत खाना, दो टूटने वाली दो दाल जिनको द्विदल कहते हैं उनको दही के साथ मत खाना, खाना ही हो तो दही को गर्म कर लेना फिर खाना। कभी भी कांदा माने प्याज और दूध साथ में नहीं खाना। कभी भी खट्टे फल संतरा मौसमी इनको दूध के साथ मत खाना, ये विरोधी चीजें हैं। बागवत ने एक लंबी सूची बनाई है, 103 वस्तुएं हैं जिनको एक साथ ना खाएं तो आपकी जिंदगी में रोग आने ही वाले नहीं। और एक छोटी सी आखिरी बात, दोपहर का खाना खाएं तो 20 मिनट विश्रांति जरूर लें, रात का खाना खाएं तो 2 घंटे बाद विश्रांति लें। दोपहर के खाने के बाद विश्रांति लें तो ज्यादा लेफ्ट साइड में आप करवट रख के सोए, ये राइट ऊपर रहे लेफ्ट, इसको वाम कुक्षी कहते हैं। कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा। जो सीधे सोएंगे तो पेट भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा। दोपहर को खाने के बाद हमेशा लेफ्ट में सोए, और रात को जब सोए तो 2 घंटे बाद सोए खाने के बाद। और सोते समय एक चीज का ध्यान रखें कि सिर ज्यादा से ज्यादा पूर्व में रहे, सूर्य की दिशा में रहे, या कोई बहुत इमरजेंसी हो तो दक्षिण में रहे, उत्तर और पश्चिम में सिर करके कभी भी ना सोए। ये 10 नियम हैं, मैं पालन करता हूं, आप भी करो। मैं बीमार नहीं हुआ 10 साल से, आप भी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। और जो थोड़ी बहुत बीमारी आज है, आप ये नियम ईमानदारी से कल से शुरू कर दो, 3 महीने बाद आप खुद बताना आपकी बीमारी बिना दवा के फोकट में ही ठीक हो रही है कि नहीं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये अपने आप जाए। इसलिए मेरा टारगेट है अमेरिका की दवा नहीं बिके इस देश, एक दवा उसकी ना बिके। ये तभी संभव है जहां आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और स्वस्थ रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। हमारे यहां कहते ना, सर्वे भवन सुखिने सर्वे संतु निरामया, ये सुखी तब होंगे जब निरोगी होंगे। निरामय, निरोगी हुए बिना कोई सुख नहीं है दुनिया का। करोड़ों रुपए हो और रोग ही रोग है, कोई सुख नहीं है। एक पैसा नहीं है आपके पास लेकिन शरीर के रोग नहीं है, आप बहुत सुखी। सुख जो है शरीर में से उपजता है मन बुद्धि के कर्म के आधार पर। पैसे से सुख नहीं खरीदा जाता और ना कहीं मिलता है, वो आपके अंदर से उपजेगा। संतुष्टि है तो सुखी होंगे, और संतुष्टि होने का एक ही आधार है निरोगी रहें। तो मेरे 2 उद्देश्य हैं, अमेरिका को पैसा ना जाए, उनकी दवा ना बिके, आप सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और घर में रसोई है ना, इसमें सैकड़ों दवाएं हैं, उनका उपयोग कर लो ना। मैंने दही बताया, मैंने आपको धनिया पुदीना ये सब क्षारीय हैं, ऐसे ही अम्लीय दवाएं हैं। कुछ दवाएं जो बहुत कॉमन है जो आप रोज इस्तेमाल करो बहुत अच्छा। एक हमारे रसोई में दवा है जिसको अजवाइन कहते हैं, अजवाइन गुजराती में अजमो कहते हैं, अजमो। ये बहुत ही अद्भुत है, किसी को भी एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, अजवाइन को भून लो तवे पे, थोड़ा काले नमक के साथ फनकी ले लो, 3 दिन में ही एसिडिटी खत्म कर। और यही अजवाइन बहुत अच्छी है अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, कब्जियत हो, तो गुड़ के साथ अजवाइन खा लो, एक ही दिन में कॉन्स्टिपेशन रिलीज कर। ऐसे ही अजवाइन के जैसा जीरा है, वो भी आपके पेट की एसिडिटी को कम करेगा। आपके घर में नमक बदल दो आप, ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाएगी। कौन सा नमक खाएं, सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ, ये आयोडीन युक्त नमक बंद कर दो तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास साधारण साधारण सी हैं, इनका आप उपयोग कर लो, बीमारियों से बच लो,
दवाओं के पैसे कम हो जाएं खर्च होना, देश की सुरक्षा बढ़ जाए उससे, और देश का बहुत ज्यादा लोगों का सुख और समृद्धि बढ़ जाए, ऐसी मेरी भावना है। शुरू हुआ वहां से और अंत यहां पर है। जीवन को थोड़ा सरल, आसान, हिंदुस्तानी, स्वदेशी, भारतीय बना। पहले भी मैं 10 साल पहले आया था, यही बोल के गया था, बी इंडियन बाय इंडिया। बी इंडियन का माने भारतीय बनो, भारतीय वस्तुओं का उपयोग करो। अब भारतीय वस्तुएं क्या है? भारतीय भोजन, भारतीय भजन, भारतीय भेषज माने औषधि, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग करो। विदेशी भूषा माने विदेशी कपड़े, विदेशी भोजन माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन मत खाओ, हिंदुस्तानी भोजन ज्यादा करो। विदेशी भजन जो विदेशी गाने हैं मत गुनाओ, मत गाओ, मत सुनो, स्वदेशी गाने गाओ, स्वदेशी भजन सुनो। जितना बने उतना आप करो तो देश अपने आप करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, महाजन येन गता से पंथा, माने जिस रास्ते बड़े लोग चल पड़ते हैं ना, समाज के बाकी लोग उसी तरफ चलने लगते हैं। आप सब महाजन लोग हैं, माने श्रेष्ठ लोग हैं। आप इस रास्ते चलेंगे, नीचे वाले अपने आप चलेंगे। मैंने मुंबई में देखा, करोड़पति लोग जब से लिमड़ा का दातन करने लगे, रोडपति लोगों ने भी दातन शुरू कर दिया, और मुंबई में हर साल दातन की बिक्री बढ़ रही है, कॉलगेट की बिक्री घट रही है। लाखों लोग रोजगार पाते हैं मुंबई में जो दातन बेचते हैं सड़क पर या तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर सकते हैं, हमारे सामने ये है, आदर्श है, देश को खतरे से बचाना है, और आपकी वही भूमिका है जो सैनिकों की होती है। सैनिक सीमा पर खड़े होकर शत्रु से देश की रक्षा कर रहे हैं, आप देश के अंदर रहकर जो शत्रु आ रहा है उससे देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ आपका आभार, आपने बड़े ध्यान से सुना, बहुत आभारी हूँ। दूसरों को ये बताएंगे और भी आभारी रहूंगा। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, दवाओं की, औषधियों की, ये किताबें भी लिखी हुई हैं, पीछे है, आप ले लेना, हमारा कार्यकर्ता नीलप्पा उसके पास किताबें हैं, रसोई घर की सारी दवाएं औषधियां उन किताबों में, किससे क्या होता है, किससे क्या होता है। अष्टांग हृदयम के जो 10 सूत्र दिए, उनके और ज्यादा सूत्र पढ़ने हो तो वो भी किताब है। अपने शरीर को जितनी भी बीमारियां होती हैं चर्म रोग की कैसे दूर करें घर की दवाओं से, वो भी किताबें हैं, आप ले जाइए। कभी भी मैंने किसी किताब पर कॉपीराइट नहीं माना है, आज भी कहता हूं कोई पुस्तक पर कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। आपको अच्छा लगे तो मेरा नाम निकालकर अपना छपा लेना, अपने नाम से किताबें बना लेना, मैं कभी मुकदमा लड़ने आपके खिलाफ नहीं आऊंगा। और जो कुछ मैंने बोला है इसकी सीडी भी है, पहले तो कैसेट थी, अभी सीडी है, 40 घंटे की ऑडियो सीडी है, वीडियो सीडी है, आप ले जाइए, कॉपी कर करके लोगों को बताइए, ताकि ये विचार जल्दी से फैले और लोगों तक ये दूर तक पहुंचे। तो शायद चेतना ज्यादा हो और चेतना बढ़ेगी तो देश जरूर बेहतर होने वाला है, आजादी बचने वाली है, सभ्यता और संस्कृति रहने वाली है। भारत देश के बारे में एक विशेष बात मुझे महसूस होती है, वो ये कि दुनिया का ये विशिष्ट देश है। विशिष्टता क्या है? 1000 साल विदेशी हमले इस देश पर हुए, किसी देश पर नहीं हुए, फिर भी ये देश जीवित है, इसकी सभ्यता अभी बची हुई है, संस्कृति बची हुई, वरना दुनिया के देश कब के मिट गए और खत्म हो गए। हम अभी भी बचे क्योंकि हमारे पास धर्म का आधार है, संस्कृति का आधार है, सभ्यता का। आगे भी ये देश बचेगा क्योंकि पहले भी ये देश बचा है धर्म और संस्कृति की ताकत से, आगे भी बचेगा, आप सब उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, यही मेरी आपसे निवेदन है। ये पूरा अभियान देश भर में मैं चलाता हूँ, इसके लिए फंड इकट्ठे करने के लिए खादी में बनाता हूँ, हमारे कार्यकर्ता बनाते हैं, खादी की बिक्री से कुछ पैसा आता है तो ये अभियान चलता है। हमारे कार्यकर्ताओं की बनाई कुछ खादी है, आप खरीदेंगे तो मुझे थोड़े से फंड्स मिलेंगे, पुस्तकें और सीडी खरीदेंगे तो आप कॉपी करके दूसरों को देंगे, उनको लाभ होगा, खादी खरीदेंगे तो थोड़ा मुझे भी लाभ होगा, क्योंकि हमारे काम के लिए थोड़ा पैसा उससे हम जुटाते हैं। 100 रुपए की खादी आपने ली तो 15 रुपए उसमें से हमें मिलेगा, पूरे साल में हम कुछ लाख रुपए की खादी बेचकर जो फंड्स इकट्ठा कर पाते उसी से ये काम चलाते। आगे कुछ बड़ा काम करने की इच्छा है, जैसे भरत भाई ने कहा एक टीवी चैनल मुझे शुरू करना है, क्योंकि ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए, ये टिप्स ऑफ द आइस लगे ऐसे हजारों हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। लेकिन वो टीवी पर आए उसके लिए चैनल चलाना है, उसके लिए कुछ फंड्स इकट्ठे करने हैं, काम में लगा हूं। जिस दिन हो गई ये व्यवस्था उस दिन चैनल भी शुरू होगा, अखबार भी चलेगा, मैगजीन भी लिख लेगी। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि ये देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। भूतकाल में ये देश सोने की चिड़िया था, भविष्य में भी सोने की चिड़िया बनाना है,
वर्तमान इसका सुधारना है, बदलना है, तो उसी काम में लगा हूं। आप सब भी मेरे सहयोगी बनेंगे तो अच्छा होगा। भरत भाई ने मुझे आज सुबह प्रस्ताव दिया कि आप एक भारत कथा कहिए जिसमें ये सारे दस्तावेज एक बार लोगों के सामने आए। आप चाहें तो 6-7 दिन की यहीं पर आयोजित हो सकती है। मेरा एक फायदा उसमें हो जाएगा कि उसकी सीडी बन जाएगी तो भारत के करोड़ों लोगों तक मिल जाएगी। आपका ये फायदा होगा कि वो दस्तावेज आप स्क्रीन पर इसी तरह से देख पाएंगे। चाहे तो आयोजन करिए, नहीं तो कहीं कोई दूसरा शहर करेगा। आभार, धन्यवाद। मेरा सबसे पहला निवेदन है भारतवासियों से कि भारत की उन्नति के लिए वो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें ताकि भारत का जो पैसा है वो विदेश में ना जाए। दूसरा मेरा निवेदन है कि भारत के लिए जो खतरे पैदा हुए हैं सुरक्षा के स्तर पर, एक खतरा पैसा है आतंकवादियों से, उग्रवादियों से, तो इन सब लोगों से कुछ एक्शन बना के इनको कॉन्फिडेंस में लेके, और वो कहते हैं कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं होना चाहिए, वो मैं उनको वायदा करके फिर वो निकलते हैं डॉक्यूमेंट्स। भारत की संसद में से जो डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं वो एमपीज लोगों की मदद से निकलते हैं, क्योंकि मैं तो संसद में जा नहीं सकता, तो एमपीज हैं बहुत सारे जो मेरे परिचित हैं, जो मुझसे सहानुभूति रखते हैं, वो कहते हैं हम आपके लिए और तो कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में से ये निकाल के आपको दे दें फोटोकॉपी करा के। तो कई एमपीज यहाँ से देते हैं, और ये जो आर्काइव्स हैं इनमें से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए उनके जो बहुत हायर अथॉरिटीज के ऑफिसर हैं उनसे संबंध बढ़ाने पड़ते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि मैं इनका मिसयूज नहीं करूँगा, जब भी इनका इस्तेमाल होगा देश के हित में ही होगा, पर्सनल इंटरेस्ट में मैं इनका कभी उपयोग नहीं करूँगा। तो कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं तो फिर वो देखो ऐसे करते हुए डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह से निकलते हैं, फिर इनको छांटना पड़ता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है वो एक तरह का रॉ मटेरियल है। जैसे रॉ मटेरियल आपके घर में है ना, बैंगन है, अब बैंगन रॉ मटेरियल है, अब इसको भाजी बनाना है तो तरह से उसको संवारना पड़ता है, फिर उसमें मसाले डालने पड़ते हैं, फिर उबालना पड़ता है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है, ये एक तरह का रॉ मटेरियल है। लेकिन जब आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ तो इस पर बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो हमारा समाज है, आप जैसे लोगों का समाज, ये थोड़ा रैशनल है। रैशनल जो सोसाइटी होती है ना वो जल्दी किसी चीज पे विश्वास नहीं करती, और थोड़े हम लॉजिक में ज्यादा चले गए हैं। रैशनलिटी और लॉजिक ये दो हमारे यहाँ पिछले साल में बढ़ा है, पढ़े लिखे लोग बिना लॉजिक के कोई बात हम मानेंगे नहीं और बिना रैशनल के कोई बात स्वीकार करेंगे नहीं, इसलिए मुझे ये सारा काम करना पड़ता है। वरना साधारण हिंदुस्तानी जो है ना, सड़क पर ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो कहता है आप ये क्यों इतनी मगजमारी करते हैं, हम तो आपकी सब बात मानते हैं, आप जो कहते हैं वो ही सही है, जो साधारण खेलूत है, साधारण भाजी बेचने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ आप कैसे मानते हो मेरी सब बातें सही, तो उनका आप अपने लिए तो कुछ कहते नहीं, जो आप अपने लिए कहते तो हम मानते कि ये गलत है। तो साधारण आदमी इस देश का इतना भोला और सीधा है कि वो कहता आपने जो कहा सब सही है। पेप्सी कोला के बारे में मैंने कहा कि ये जहर है तो उसने मान ही लिया कि जहर है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रूफ करके देना पड़ा कि वो जहर है, और उसमें 6 साल लग गए, एक लेबोरेटरी रिपोर्ट, फिर दूसरी लेबोरेटरी, फिर तीसरी लेबोरेटरी, लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो सुनीता नारायण रिपोर्ट थी जो आपने देखी होगी टीवी पे, उसके पहले 5 रिपोर्ट आ चुकी थी। तो ये है, अब इससे तो बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा मैं करता हूँ कि भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको ये डॉक्यूमेंट से थोड़ी भी सेंसिटिविटी आती है तो मेरा काम सार्थक होता है, और उनका सेंसिटिविटी देश के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। आप में से कोई एक व्यक्ति अगर सेंसिटाइज होता है तो वो देश के लिए संपत्ति बन जाता है, वो दूसरा राजीव दीक्षित हो सकता है। वो डिग्री का फर्क होगा, वो 1 डिग्री का हो सकता है, मैं 100 डिग्री का हूँ, वो 2 डिग्री का हो सकता है, मैं 100 डिग्री का अंतर है, लेकिन वो उतना ही सेंसिटाइज हो सकता है जितना मैं हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स के पीछे एक ही काम करती है ताकत कि दूसरे को हम सेंसिटाइज कर सकते हैं क्या, कन्विंस कर सकते हैं क्या। अगर वो काम हो पाया तो इनकी बहुत बड़ी सार्थकता है, और नहीं हो पाया तो ये कागज का टुकड़ा है, कोई इसका महत्व नहीं, आप इसको जला कर फेंक भी सकते हैं। वैसे कि जो एक आप 100% और 1% दूसरा कोई भी राजीव दीक्षित बन सकता है, तो हमें ये जानना है कि अब वो ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जैसा चालू कर रहे हैं कि जिसमें ऐसी कुछ ट्रेनिंग है और पूरे भारतवर्ष में बहुत से लोग इस काम में जुटे
और जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम जो आप यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को विस्तृत पहुंचा सके। इनका ये प्रश्न है उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि मैं अभी तक तो जो करता था उसमें हमारा कोई ऑफिस भी नहीं था और ये काम ऐसे ही होता था। वो कैसे होता था कि वर्धा में सेवाग्राम नाम का एक गांव है वर्धा जिले में, वो गांव में गांधी जी का बनाया हुआ एक आश्रम है, 1936 में कभी बनाया था। उस आश्रम का एक छोटा सा हिस्सा मुझे मिला हुआ था क्योंकि मैं उस आश्रम के ट्रस्टियों के काफी नजदीक हूँ। उन्होंने कहा था ठीक है तुम इस आश्रम का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो आश्रम की बिल्डिंग का एक हिस्सा मैंने करीब समझ लो आप 200 या 250 स्क्वायर फीट का इतना ही बड़ा था, इतना बड़ा हिस्सा मिला हुआ था, तो उसी को मैं ऑफिस जैसा मानता था। लेकिन थोड़े दिन में उस आश्रम में प्रॉब्लम आ गई। आश्रम में क्या प्रॉब्लम आई कि सोनिया गांधी ने उस आश्रम को 11 लाख रुपए दान किए पर्सनल अकाउंट से, तो मैंने आश्रम के लोगों के सामने बहुत विरोध किया इसका। तो उन्होंने कहा तुम क्यों विरोध कर रहे हो, सोनिया गांधी अगर आश्रम को अच्छा करने के लिए पैसा दे रही है। तो मैंने कहा गांधी जी की आत्मा की आप हत्या करेंगे क्योंकि गांधी जी ने बिरला जी का पैसा नहीं लिया इस आश्रम में। आप जानते हैं कहानी, आश्रम को जब बनाने की बात आई थी तो बिरला जी ने चेकबुक गांधी जी के सामने रखी कि अब बापू जितना अमाउंट है भर लो। तो गांधी जी ने कहा कि बिरला ये तुम्हारे पैसे से नहीं बनेगा आश्रम, तो किसके पैसे से बनेगा, तो कांग्रेस के जो 25-25 पैसे देने वाले मेंबर हैं उनके पैसे से बनेगा। चमड़ी मेंबरशिप शुरू किया था गांधी जी, तो 25-25 पैसे में से 500 रुपए इकट्ठे किए गांधी जी ने, उसमें वो आश्रम बना। तो मैंने कहा गांधी जी ने जिस उद्देश्य और भावना से ये बनाया उसमें 11 लाख रुपए आपने अगर सोनिया गांधी से ले लिया, जिसका कुछ पता नहीं है कि वो 11 लाख कहां से आया, हो सकता है वो अमेरिका से आया हो, CIA के चैनल के थ्रू आया हो सकता है वो ISI का पैसा हो जो किसी चैनल से इस आश्रम में आए, तो यहाँ की पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो मैंने विरोध किया तो आश्रम वालों को खराब लगा, तो मैंने सोच लिया कि अभी यहाँ अपना ऑफिस नहीं रखना। फिर अपना ऑफिस बनाने के लिए जैसा आपने कहा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का काम शुरू किया। अभी ईश्वर की कृपा से वो इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग बन गई है, 10% काम उसमें बाकी है, 7,500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हुआ है, 2 माले की बिल्डिंग है, आश्रम से बिल्कुल नजदीक में है। और वो भी बिल्डिंग मैंने ऐसे ही बनाई है, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 500, ऐसा करके वो बिल्डिंग बनी है। अभी शायद वो अप्रैल 6 तारीख तक पूरी हो जाएगी। 6 अप्रैल को गुड़ी पड़वा आती है, आप जानते हैं भारत का नया साल शुरू होता है, उसी दिन से वो बिल्डिंग का ओपनिंग हो जाएगा। और उस दिन से लगातार मैं उस बिल्डिंग में कुछ शिविर करूंगा, और वो शिविर इसी बात के लिए करूंगा कि कुछ दूसरे राजीव दीक्षित तैयार हैं, क्योंकि अब तक मैंने जितना पढ़ा है, जाना है, सीखा है, जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, इसके आधार पर कुछ लोगों को मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। उसमें कुछ गुजराती भी होंगे, कुछ मराठी होंगे, कुछ कन्नड़, कुछ तेलुगु, कुछ तमिल, कुछ मलयाली, वो आएंगे, रहेंगे 15 दिन के शिविर, 20 दिन के शिविर, 7 महीने के, ऐसे कुछ मैं शिविर करूंगा, उनको तैयार करूंगा। मेरी योजना है कि अगले साल में या 1.5 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में ऐसे 100 से 150 राजीव दीक्षित बन जाए, कुछ गुजराती, कुछ मराठी, कुछ कन्नड़, और वो अपने काम पे लग जाए, गांव इस तरह से जाना, लोगों से ये सब बातें करना, वो मेरी तैयारी है, वो मेरी कोशिश है। अब इसमें अगर 150 नहीं हुए तो 100 तो हो ही जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। और उनका सिलेक्शन भी मैंने करना शुरू किया है कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें लगेंगे, तो उनका एक ही क्राइटेरिया मैंने रखा है कि जो अगले 15-20 साल तक काम कर सके बिना किसी दबाव के, ऐसे लोग मुझे चाहिए। अब दबाव कई तरह के हैं, जैसे परिवार का दबाव है, तो ऐसे मुझे कार्यकर्ता चाहिए जिन पे परिवार का दबाव ना हो, माने अविवाहित हैं और 15 साल देश को देने के लिए तैयार हो। कोई 15 साल नहीं देगा तो 10 साल देश को देने के लिए तैयार हो, माने 20-22 साल की उम्र में हो और कहेंगे ठीक है 10 साल हम देश के लिए देंगे, आप जो चाहो हम वो करेंगे, 32-35 साल के बाद अपना परिवार बसाएंगे, फिर सामान्य जिंदगी जिएंगे, ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं की खोज में मैं लगा हूं। और ऐसे कार्यकर्ता भी चाहिए मुझे कि जो पैसे से इतने समर्थ हों जिनको भुखमरी की समस्या ना हो, क्योंकि वो आएंगे और देश के लिए काम करेंगे, तो कोई मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं उनका स्टाइपेंड दे सकूं या मानधन दे सकूं, तो मैं ये जरूर देख लूंगा कि उनके परिवार में इतनी संपत्ति और धन जरूर हो कि वो उस बेटे या बेटी को 10 साल के लिए स्पेयर कर सके, या तो खेती हो, या तो कोई बिजनेस हो, या तो कोई इंडस्ट्री उनकी चलती हो। तो ऐसे मुझे समृद्धशाली और परिवार के दबाव से मुक्त 100-150 लोग चाहिए।
अलग अलग भाषाओं में, आपको कोई मिले तो हमें दीजिए। तो इसमें आपको कोई स्पेशल कमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा एक ही कमेंट है कि आप में से कोई भी अगर शेयर मार्केट में काम करते हो, माने इन्वेस्ट कर रखा हो, तो 3 से 4 महीने में उसको बेचकर आप निकल आइए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने जा रही है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में इतना सारा डॉलर पंप किया हुआ है जो पूरा आर्टिफिशियल और टोटली इन्फ्लेशनरी लेवल पे है। रियलिटी में शेयर मार्केट का ये ग्रोथ नहीं है जो 21,000 पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है। ये शेयर मार्केट में जो विदेशी डॉलर इस समय आया है वो एक ही कारण से आया है कि डॉलर पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं लगातार टूट रहा है, और ये विड्रॉ करेंगे जब डॉलर और टूटेगा। अभी तो 38 रुपए है या 39 रुपए, अभी आप देखना 2-3 महीने में ये 30 रुपए के आसपास आ जाएगा। सरकार कितना भी ताकत लगाए इसको रोकने की, कारण मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि दुनिया में तेल बेचने वाले देशों ने सद्दाम हुसैन की बात उसके मरने के बाद मान लिया। जब तक जिंदा था कोई नहीं माना, अब मरने के बाद उनको समझ में आ गया। 53 तेल बेचने वाले देश है जिनको ओपेक कंट्रीज कहा जाता है, इनका एक जनरल मीटिंग अभी हो गया सऊदी अरब में जिद्दा में। उन्होंने तय कर लिया है कि हम अप्रैल या मई तक डॉलर में तेल बेचना बंद कर देंगे, अप्रैल या मई तक। 15 अप्रैल का टारगेट उन्होंने फिक्स किया है, जो 15 अप्रैल तक दुनिया में कोई बड़ी घटना नहीं हुई तो वो डॉलर में तेल बेचना बंद कर देंगे। वो कहेंगे कि हम लोकल करेंसी में या तो तेल बेचेंगे नहीं तो यूरो डॉलर में बेचेंगे। जिस दिन ये हो गया उस दिन डॉलर को जमीन पे गिरने से कोई नहीं बचा सकता, इशू भी आ जाए तो नहीं बचा सकता। ईसा मसीह भी उतर आए जमीन पे और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए तो भी डॉलर टूटने से वो नहीं बचा पाएंगे। और इतना बुरी तरह से अगर डॉलर क्रैश हुआ तो ये जितनी कंपनियां आप देख रहे हैं फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर, ये सभी उड़नछू होंगे यहां से, और ये उड़नछू होंगे तो मार्केट तो क्रैश हो गए। 21,000 पॉइंट का 7,000 पॉइंट भी आ सकता है और आप लोग फिर डूबे उसमें, क्योंकि आप जैसे लोग ही डूबते हैं। मैंने किसी बड़े शेयर ब्रोकर को आज तक डूबते नहीं देखा, जो डूबता है वो इन्वेस्टर है और छोटा इन्वेस्टर जल्दी डूबता है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत लगा रखा है तो तुरंत निकाल लीजिए। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि कैश करके निकल जाइए। 21,000 पॉइंट से ज्यादा और आपको क्या चाहिए, काफी कुछ इसमें आपको गेन हो चुका होगा। 50 रुपए का कोई शेयर खरीदा हो तो आज 5,000 का तो हो ही गया होगा, तो बेच बाच के निकल आइए। फिर आप बोले पैसे का क्या करें, पैसे को बैंक में मत रखना क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट भी डूबेगा बुरी तरह से। तो जैसे ही आपके हाथ में पैसा आ जाए तो सोना खरीद के रख लेना, क्योंकि सोना ही है जिसका भाव अगले 3 साल 4 साल चढ़ना ही है। क्योंकि जब दुनिया में डॉलर टूटेगा तो सब लोग डॉलर बेच के सोना ही खरीदने आए, तो सोना जितना उपलब्ध है उसमें उपलब्धता और कम होगी तो मार्केट में भाव बढ़ने है। तो सोना हो सकता है 20,000 रुपए का 10 ग्राम हो जाए, 25,000 का 10 ग्राम हो जाए, तो सोना खरीद के आप रख लीजिए, चांदी खरीद के रख लीजिए, प्लैटिनम खरीद के रख लीजिए, प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट करें। और जो जमीन मिलती हो कहीं भी 1 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ तुरंत खरीद लीजिए, जहां भी मिले, भारत के किसी छोटे से छोटे गांव में मिले वहां लीजिए। ये मत देखिए कि वो जमीन पत्थर वाली है कि मिट्टी वाली, पत्थर वाली मिले वो ही ले लीजिए, क्योंकि ये पत्थर वाली जमीन साल भर के बाद मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि भारत में यही होगा। जिन्होंने भी डॉलर रखे हुए हैं वो या तो जमीनें खरीदेंगे या तो सोना, सोने की एक लिमिट है उसके बाद खरीद नहीं पाएंगे तो जमीन को जाएं। तो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसे को तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आपकी कीमत आपको वसूल हो जाएगी, या तो सोने चांदी में लगाया हुआ पैसा वसूल हो जाएगा। शेयर मार्केट का बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये मई में इसलिए टूटने की 2 संभावना, एक तो मुझे दिख रहा है सरकार गिरने जा रही है भारत की, मनमोहन सिंह गिर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने भी नहीं लगेंगे, और दूसरा ये ओपेक कंट्रीज अपना तेल नहीं बेचेंगे डॉलर में। तो ये दोनों कारणों से मार्केट के लिए गुड सिग्नल नहीं है। और वैसे भी मार्केट के जो पंडित है ना वो ये कहते हैं कि जब मार्केट बहुत चढ़ता हुआ हो तो छोटे इन्वेस्टर को घुसना भी नहीं चाहिए, तो आप जैसे लोगों को वहां घुसना ठीक नहीं। ये मेरा ओपिनियन है, आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करिए, नहीं तो मई तक इंतजार करिए, फिर आप रोने के लिए राजीव दीक्षित को बुला लेना कि राजीव भाई आपको बोल के गए थे, हमने नहीं माना, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सांत्वना देने आ जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं सकता हूँ। जो वर्ल्ड कंपनी से जो आप कंपनी बड़ी बड़ी
धमकियां तो बहुत आई हैं, केस वो नहीं कर पाए। धमकियां तो बहुत आई, अभी भी आती है। सबसे ज्यादा धमकी पेप्सी कोका कोला से आती है, क्योंकि ये अभियान हमने शुरू किया उसमें सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो पेप्सी कोका कोला को पड़ी, क्योंकि जगह जगह हमने जो इन्वेस्टिगेशन कराए उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में आई पेप्सी के खिलाफ। और आज पूरे देश में ये स्थिति है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने पता नहीं बोला क्या, 1998 में पेप्सी और कोका कोला की एक साल में 700 करोड़ बोतलें बिकती थी, आज 50 करोड़ भी नहीं बिकती एक साल। और आप उनके किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए हिंदुस्तान में, उत्तर दक्षिण को, सब फैक्ट्रियां बंद है जैसी है। वो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कहते हैं कि हम सवेरे से शाम तक क्रेट धोते धोते परेशान होते थे, अब हमारी 10 क्रेट भी कोई लेके नहीं जाता। मतलब क्या है कि पिछले 10 साल में मेरे जैसे लोगों ने, या रामदेव जी जैसे लोगों ने, या सुनीता नारायण जैसे वैज्ञानिकों ने, या ऐसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने मिलकर पेप्सी कोक का तो बाजा बजा ही दिया है, क्योंकि बिक्री इतनी कम हो, बाकी में ही आप देख लो बहुत सेल कम हुई है पिछले 10 साल। और इसके बदले में जो सेल बढ़ी है वो फ्रेश जूस की सेल बहुत बढ़ी है, गन्ने का रस, शिरडी का रस, मौसमी का रस, संतरे का रस, छोटी छोटी जगह। और चूंकि रस की डिमांड बढ़ी है तो उसकी सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है तो रस की कीमत भी गिरी है। पहले 10 रुपए गिलास था, अभी 5 रुपए 6 रुपए गिलास मिल जाता, ये भी हुआ, तो ये खुशी की बात है। और इसका सारा पैसा खेतों को जा रहा है, इसका मुझे आनंद है। ऐसे ही कॉलगेट की सेल 23% डाउन हुई है पिछले 10 साल, और कॉलगेट वाले इतने परेशान हैं, वो मुझे बताते हैं कि हमारी जब मीटिंग होती है तो एक ही विषय होता है, हाउ टू हैंडल राजीव दीक्षित। हाँ, उनकी चेयरमैन की जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसका विषय ये है, हाउ टू हैंडल राजीव। तो वो मुझे हैंडल करना चाहते हैं, हाँ, वो ऑफर करते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मुझे आप खरीद नहीं सकते क्योंकि मेरी कीमत नहीं है, और वैसे मेरी कोई कीमत नहीं है साधारण आदमी। तो उनसे हर बार ऐसे ही कहकर बात खत्म होती है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि तुमको मेरी कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा पिंच करती है, तो वो कहते हैं जो आप अमेरिका वाला हमारा फोन खोलते हो यही हमारे लिए खतरा। अमेरिकन कॉलगेट का मैं जो नाम लेके कहता हूँ ना, अमेरिकन कॉलगेट पे वार्निंग प्रिंट है, ये इतना बड़ा खतरा है उनके लिए। वो कहते हैं कि अगर लोग इसको गंभीरता से सुन लेंगे तो हमारी ताकत नहीं कि हम कॉलगेट बेच पाए इस देश में किसी मदद से। तो उनकी सेल कम हुई है। हिंदुस्तान लीवर वाले मुझे बोलते हैं कि आपने 10 साल में हमारे 26 प्रोडक्ट मार्केट से आउट करा दिए, बोल बोल कर। उनके कई प्रोडक्ट हैं जो उन्होंने विड्रॉ कर लिए मार्केट से, क्योंकि अब बिक नहीं है। अभी उनको ये हालत हो गई है। हिंदुस्तान लीवर ने एक दिन मुझे कहा कि हमारी सेल 98 में टोटल 14,000 करोड़ की थी साल की, अब वो कहते हैं कि 10 साल में हमारी सेल 9,800 करोड़ की है। कितनी कमी है, जबकि उनके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए हर एक कोई है। ऐश्वर्या रॉय भी है जो उनके लक्स का जाहिरात करती है, सुष्मिता सेन भी है, माधुरी दीक्षित भी है, सब है उनके पास, फिर भी उनकी सेल वो बढ़ाने का, तो वो कह रहे हैं हमें विड्रॉ करना पड़ा। तो उनकी सेल में कमी है। कई मल्टीनेशनल है जो दवा बेचने के लिए आए थे वो भागते चले गए। तो ऐसे 10 साल में कुछ रिजल्ट तो दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कि कई घरों में लोगों ने कहा है कि हमने आपके सभा में संकल्प लिया था वो आज तक हम पालन करते हैं, पेप्सी नहीं पीते, कोक नहीं पीते। तो इस तरह का कुछ असर तो हुआ है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है उसके लिए ये असर बहुत ही है। आप जैसे बोलते हैं कि बाहर की कंपनियां जो बना रही हैं, जो भी कर रही हैं, जिस तरीके से बाहर के प्रोडक्ट्स बंद करते हैं, काफी चीजें हैं जिसमें केमिकल्स लगेंगे, काफी चीजें हैं, वी कैन नॉट स्टॉप, हजारों प्रोडक्ट्स ऐसे निकलेंगे जिसमें केमिकल्स, आप कपड़े तक को ले लो तो कपड़ों को डाई करने में केमिकल लगेंगे जो वापसी में मैक्सिमम बनता है। तो अगेन इंडियन कंपनी भी उसको बनाएगी, और इंडिया में भी अगर सीधी बात कहूँ तो रिलायंस जैसे बैठे हैं जो और किसी को बनाने देंगे, जो रिलायंस फ्रेश में उन्होंने किसानों का जो हाल किया है, तो उसका क्या हाल है फिर? उसका एक ही हल है, मेरा ये मानना है कि विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए मैंने एक योजना बना रखी है, ब्लूप्रिंट है पूरा। मेरा ये है कि जो कंपनी यहाँ आई, आते समय उसने जितना पैसा भारत में लगाया, जिसको हम अर्थशास्त्र में कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल, उसका मेरे पास पूरा हिसाब है। पेप्सी कोला का इनिशियल पेड अप कैपिटल क्या है, कोका कोला का क्या है, कॉलगेट का क्या है, हिंदुस्तान लीवर का। तो जितना उन्होंने बाहर से पैसा लाकर भारत में लगाया, ये पैसा हम उनको वापस देंगे,
और उसकी जो ओनरशिप है वो हम उनके हाथ से ले लेंगे। कंपनी बंद नहीं होगी, कारखाना बंद नहीं होगा, ओनरशिप चेंज होगी। और वो ओनरशिप फिर किसको देंगे? तो रिलायंस को नहीं देने वाले। उसके लिए दूसरा ब्लूप्रिंट मैंने बनाया कि उसकी ओनरशिप को पहले हम कहेंगे कि जो वहां काम कर रहे हैं वो ही ले ले। जिसे कहूंगा कि इससे वो प्रकाश जाने क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास में है जो स्फुट है। और ये अगला 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट आपको हिलाएगा जरूर कि ये और इंडिया ऑन लीज, हम कैसे लीज पे हैं, हमारी आजादी क्या है, एक संक्षिप्त में वो उससे प्रकाश डाले। ये कैमरा बंद कर लेता हूं। अमन कमीशन है हमारे देश की, क्या है कि जो 15 अगस्त 1947 आया तो एक समझौता हुआ पंडित नेहरू और माउंट बेटन के बीच में। वो समझौते का नाम है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, नाम ही है उसका ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट के नीचे 1500 छोटे छोटे समझौते हुए, शर्तें हैं वो। तो अंग्रेज कह रहे हैं कि ये मानोगे तो हम आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे, ये मानोगे तो आजादी देंगे। तो ये आजादी अंग्रेजों द्वारा दी गई है, हमने ली नहीं है। क्योंकि आजादी लेने वाला जो वर्ग था वो 1947 तक खत्म हो चुका था। आजादी लेने वालों का वर्ग था भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाक उल्ला का, तात्या टोपे का, नाना साहब पेशवा का, ये लोग थे, लोकमान्य तिलक का। ये मानते थे कि हम आजादी लेंगे, लड़ कर लेंगे, झगड़ कर लेंगे और अंग्रेजों को मार के बनेंगे। दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि 1947 तक इनमें से कोई नहीं बचा, ना भगत सिंह, ना ऊधम सिंह, ना चंद्रशेखर, ना कोई। तो फिर जो बचे वो सब मीडियोकर किस्म के थे। मीडियोकर शब्द आप अच्छे से समझते। तो इन्होंने अंग्रेजों को भगा के आजादी ली है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने कुछ दया के साथ और प्रेम और करुणा के साथ आजादी दी है जिसको वो किसी भी दिन वापस ले सकते हैं। ये है समझौता जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स लंदन में है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में। कुछ हिस्सा उसका मैं भी, मेरे पास भी है लेकिन पूरा नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये भारत में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। एक बार मेरा दिल है कि टीवी पर खोल खोल के सबको पढ़ाया जाए कि देखो ये क्या लिखा नेहरू जी ने, क्या कहा है माउंटबेटन। तो माउंटबेटन के शब्दों में और अंग्रेजों की भाषा में मैं अगर कहूं तो इंडिया इज ऑन लीज फॉर 99 ईयर्स, 99 साल की लीज पर है आपका देश। 99 साल जिस दिन पूरे हो जाए अंग्रेजों की औकात है कि वो आपसे वापस ले सकते। और चूंकि ये लीज का सारा खेल है इसलिए आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे कानून बदले नहीं जो अंग्रेज बना गए वैसे के वैसे ही नहीं। सारे कानून वैसे। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, आईपीसी इंडियन पिनल कोड अंग्रेजों का, सीआरपीसी अंग्रेजों का, सीपीसी अंग्रेजों का, इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों का, लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों का, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, सब कुछ उनका बनाया हुआ है। और आज तक उसको इन्होंने मेंटेन किया है, इसको बदला नहीं है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, इंग्लैंड की महारानी कभी भी हिंदुस्तान आए तो उसको वीजा की जरूरत नहीं है, बिना वीजा वो भारत आ सकती है क्योंकि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं। इंग्लैंड की महारानी जब भारत आती है तो यही माना जाता है कि वो अपने ही देश में जा रही है, इसलिए जब जब वो भारत आई है विदाउट वीजा आई है। वैसे तो उसको पासपोर्ट भी नहीं लगता, यूरोप में बिना पासपोर्ट के वो जा सकती है, लेकिन भारत आने के लिए उसको भारत सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कल फोन उठा के भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि मैं भारत आना चाहती हूं तो किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं है ये कहे कि नहीं आप मत आइए। अब मैं एक घटना सुनाता हूं। इंद्र कुमार गुजराल इस देश में प्राइम मिनिस्टर थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक महत्वपूर्ण साल आया था उस समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हो 1919 में हुआ था, तो उसका एक महत्वपूर्ण साल आया था। उसी समय रानी ने कहा कि मैं आना चाहती हूं, तो इंद्र कुमार गुजराल पर दबाव डालने के लिए मैं और बहुत सारे लोग गए थे दिल्ली। उस समय मैं इलाहाबाद में रहता था और ये कहने के लिए कि मत आने दो इसको, क्योंकि यही वो है जिसने जलियांवाला बाग कांड करवाया था। इसी रानी के आदेश पर गोली चली थी और डायर ने हजारों लोगों के ऊपर गोली चलाई थी जिसमें से सैकड़ों मारे गए। तो इंद्र कुमार गुजराल ने टका सा जवाब दिया था कि मैं ये नहीं रोक सकता,
वो आएगी तो स्वागत भी करना है उसका। वो आई, पूरी भारत सरकार उसके स्वागत में लगी। वो रानी गई, अमृतसर गई, और जखे हुए मन जख्म हमारे जो उसने कुरेदे वहां जाकर, और उसने अखबारों में स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं लगता कि जलियांवाला बाग में कुछ गलत हुआ। जब कोई राजा होता है और कोई प्रजा होती है तो कई बार प्रजा के ऊपर दंड देना पड़ जाता है, तो हमने कहा बात खत्म हो गई, अब आप हमेशा उसको याद करते रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ये उसका अमृतसर के पत्रकारों को दिया हुआ बयान था, ये छपा अखबारों में। हम लोगों को इतना गुस्सा आया, हमने कहा कि ये इंद्र कुमार गुजराल का मुंह काला करेंगे, तो पुलिस को भनक लग गई और हम लोग सब अरेस्ट हो गए, वरना हम मुंह काला करने के लिए ही जा रहे थे उस दिन दिल्ली में, कि ऐसा हरामखोर प्राइम मिनिस्टर है जो देश की इज्जत और सम्मान को दांव पे लगा के बैठा। अब इंद्र कुमार गुजराल रिटायर है, अब हम उनको मिलते हैं कभी भी दिल्ली में, तो वो मुझे कहते हैं कि आप भी प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे तो यही करोगे, आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून से हम बने हुए हैं, वो कानून वही है, इंडिया इज ऑन लीज। तो मैं कहता हूं खुल के कहो इसको देश में, तो कहते हैं नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बगावत हो जाएगी। तो हो जाने दो बगावत, 1857 में हुई थी, और एक बार बगावत हो जाएगी, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा, ये अधकचरे हम लटके हुए तो नहीं रहेंगे। तो उनका इतनी हिम्मत किसमें है आज, ये है। अब हमारे यहां इतनी खराबी है इस लेवल पे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज ऐसा कोई फैसला दे जिसका कानून भारत में ना हो तो हमेशा वो लंदन के फैसले को ही आधार बना के जजमेंट देता है। मान लो कोई फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को, उसका कोई कानून हमारे देश में नहीं है, तो आधार फिर लंदन से मंगाया जाता है कि वहां का कोर्ट क्या कहता है, उसको बेस करके यहाँ जजमेंट दिए जाते हैं, और इसी कारण कोई भी कोर्ट जजमेंट अंग्रेजी में ही देता है, भले वो गुजरात में चले या केरल में चले। ये नेताओं से पूछने की जरूरत है। 15 अगस्त मनाते हैं हर साल, तिरंगा झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, बच्चों को कहा जाता है लड्डू खाने को आ जाओ, वो लड्डू ही है बाकी कुछ नहीं, वो आजादी आजादी तो सब कहीं रखी हुई है, क्योंकि एक काम हम ऐसा नहीं कर पाए इस देश में कि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ समझौता कर दिया उसको जला के नहीं फेंक पाए 60 साल में, और क्या करेंगे, वो समझौते की कॉपी यहाँ कुछ है कुछ लंदन में पड़ी हुई। वो कर देंगे क्लेम किसी दिन, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनके देश में जो कुछ वो चाहते हैं वो हो ही रहा है, यहाँ जो जो कुछ ब्रिटिश चाहते हैं वही तो हो रहा है इस देश में। तो अगर मान लो वो ये तय कर लें आज, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल, उनको लगता है कि भारत को अभी हैंडल कर नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियली बहुत कमजोर है। 1947 में भी भारत उन्होंने छोड़ा तो इसलिए नहीं छोड़ा कि उनके दिल में हमारे प्रति सद्भावना थी, इसलिए छोड़ा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतनी पिटाई हो चुकी थी उनकी कि भारत को साथ रखना उनके लिए संभव नहीं था। हांगकांग का 99 का लीज था तो वो तो उनको देना पड़ा था। हाँ, तो हमारा भी 99 पूरा होगा तब जाके कोई फैसला होगा, तब तक तो ये पर्दा ही पड़ा हुआ। हिंदुस्तान के नेता बात नहीं करना चाहते इस विषय। हांगकांग का जो बहस डिबेट हुआ था वो 10 साल पहले से चालू है कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, चाइना में जाएगा कि उसका इंडिपेंडेंस रहेगा, सो ऑल दैट थिंग स्टार्टेड हैपनिंग 10 इयर्स बैक बिफोर इट वाज हैंडेड ओवर। सो आई मीन दिस इज अ वेरी बिग इशू व्हाट यू से। 1943 में हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो गया था ये सब कि भारत आजाद होगा तो किन कंडीशंस पे होगा, क्या रहेगा भारत में क्या नहीं रहेगा। बहुत बड़ा इशू है, और ये बिग इशू को खोलने के लिए मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि कोई ऐसा चैनल मुझे मिले जो फ्री हैंड दे, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स में चैनल पे दिखाना चाहता हूँ। या तो भारत सरकार डिनाई करे कि ये डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हम बात करें कि आपके यहाँ रखे हुए अगर डॉक्यूमेंट झूठे तो आप कहो कि ये झूठे हैं। आपने कोई चैनल से बात किया है इस पर? किया था ना आस्था चैनल से, थोड़े दिन उनके यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्हीं में उनको पसीना आ गया। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने दिखा दिया कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी,
तो उसी में वो किरीट भाई को इतनी तकलीफ हो गई, उन्होंने कहा राजीव भाई आपका तो कोई ना बीवी है ना बच्चा, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, मेरा ये लाइसेंस कैंसिल हो गया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, आप कृपया करके इतनी खतरनाक और विस्फोटक चीजें मत दिखाइए, आप कुछ ऐसी बातें करिए जैसे रामदेव जी करते हैं, योग प्राणायाम धर्म ध्यान समाधि धारणा ये है। दोस्तों सोमवार से मंगलवार में हम पहुंच चुके हैं, राजीव जी का कल बलसर कॉलेज धर्मपुर कॉलेज में तो प्रोग्राम है, मुझे कादर खान वाली बीमारी है, रात को दिखता नहीं, इनको बलसर सेफ ले जाना, ये राष्ट्र की संपत्ति है। जोरदार तालियों में दूसरी बार वापी में आप बुलाएंगे, मेरा आदर मिल रहा है।